है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। अपनी ही पत्नी की गला रेतकर हत्या करने वाला पति हुआ गिरफ्तार। जी हां, एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने वार्ता कर किया घटना का खुलासा। और आपको बता दें कि एसओ लाइन पर संजय सिंह ने अपनी टीम संग रेलवे स्टेशन से उस व्यक्ति को पकड़ा। फिरोजाबाद थाना लाइनपाड़ क्षेत्र गुदाऊ के पास कुंवर बहादुर की ठार के पास 20 अगस्त 2019 को एक महिला मलुकी देवी की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। और उस मामले में थाना लाइनपाड़ एसओ ने आज एक व्यक्ति को अपनी पुलिस टीम के साथ घेराबंदी कर हिरासत में लिया। इस संबंध में एसपी सिटी कार्यालय पर वार्ता के दौरान एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि एसएसपी सचिंद्र पटेल के आदेश एवं एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह और क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना लाइन पर एसओ संजय सिंह, मैं एसआई छत्रपाल सिंह ने कांस्टेबल अवधेश कुमार, अरुण कुमार के साथ शांति व्यवस्था व जुर्म की रोकथाम को चेकिंग कर रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि जिस व्यक्ति ने 20 अगस्त को अपनी पत्नी की गला रेतकर हत्या की थी वह कहीं जाने की फिराक में रेलवे स्टेशन पर खड़ा है। मौके पर पहुंच एसओ संजय सिंह ने टीम संग उसको पकड़ लिया और उसने अपना नाम पूछताछ में थाना लाइनपाड़ क्षेत्र कुंवर बहादुर की ठार ग्राम गुदाऊ निवासी पुष्पेंद्र उर्फ पप्पू पुत्र बलबीर बताया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल बका भी बरामद कर लिया और बताया कि दूसरा आरोपी बलबीर सिंह फरार है। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, दो दिन पूर्व रात्रि के समय सूचना आई थी जिसमें एक महिला की हत्या करके उसकी लाश को नदी में फेंकने की बात आई थी। इस सूचना पर पुलिस ने रेड किया स्पॉट को, तो डेड बॉडी मौके से पास के खेत में मिली थी और ये संज्ञान में आया कि इसके पति के द्वारा इसका मर्डर कर दिया गया है और वो बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना चाहते थे। 100 नंबर की सूचना पर पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में डेड बॉडी को छोड़ करके भाग गए। डेड बॉडी को रिकवर किया गया। जब मुआयना किया गया तो ये पता चला कि किसी शार्प एजेड वेपन से इसकी हत्या की गई है। इस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करी। एसओ संजय सिंह और उनके साथी सब इंस्पेक्टर छत्रपाल सिंह ने इस पर अच्छा काम किया और आज प्रातःकाल में रेलवे स्टेशन से जो महिला मृतक थी, इसका पति पुष्पेंद्र एलियास पप्पू सन ऑफ बलबीर सिंह, ये रेलवे ट्रेन का इंतजार करते हुए गिरफ्तार हुआ है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने अपने गांव घर में से ही जो आला कत्ल है उसकी बरामदी कराई है, जो एक फरसा टाइप है, और इसको गले पर मार करके और चेहरे के ठोड़ी पर मार करके इस महिला की हत्या की गई थी। ये मुलजिम गिरफ्तार हुआ है। इसका जो ससुर है मृतक महिला का, वो भी फरार है। अभी तक जो संज्ञान में आया है वो ये कि इनमें पहले से पति पत्नी में विवाद चल रहा था। ये मृतक महिला इसकी दूसरी पत्नी थी, पहली पत्नी का भी की भी मृत्यु हो चुकी है और मृतक के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं थे। इन्हीं के नाते इसने मौका पाकर के इसकी हत्या कर दी। सर, इसमें पूरे हत्याकांड में कितने लोग भी हैं जो वांछित हैं अभी? देखिए, दो लोगों को नेम्ड रिपोर्ट कराई गई है जिसमें ये मुलजिम पति और इसका पिता, तो मुलजिम पति गिरफ्तारी की जा चुकी है, अब पिता की गिरफ्तारी शेष है अभी और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करके पकड़ पटाक्षेप किया जाए। इसमें और किसी पप्पू का नाम भी आ रहा है, वो क्या है? देखिए, जो इसको इन्वेस्टिगेट किया गया था तो एक एलिगेशन ये आया था कि संभवतः जो मृतक महिला है इसके किसी से संबंध है जो इसका कारण बने हैं विवाद का कारण। उस एंगल को भी प्रूव किया जा रहा है और सत्यता के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी।